रायबरेली के बदोगढ़ थाना क्षेत्र के दीदानी गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव में ही घर के बाहर सो रहे गोपी शंकर तिवारी और उनकी पत्नी निर्मला का खून से लथपथ शव बरामदे में मिला। मृतक महिला की कुल्हाड़ी से जान ले ली गई जबकि उनके पति की गला दबाकर जान ले ली गई, क्योंकि घटनास्थल के पास से मवेशी बांधने की रस्सी भी बरामद हुई है। इसी डबल मर्डर से गांव में हड़कंप मचा हुआ है, दहशत का माहौल बना हुआ है। दोहरे हत्याकांड की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि फॉरेंसिक टीम घटनास्थल की जांच कर सबूत जुटाने में लगी हुई है। वहीं सुबह सुबह दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। स्थानीय बदावपुर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटना की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी श्लोक कुमार, रीजनल एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव दीदानी गांव पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस की शुरुआती जांच के बाद एसपी श्लोक कुमार ने घटना के बारे में बताया कि पास में हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और रस्सी बरामद हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले में कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे आकस्मिक घटना रात में हुई जो डबल मर्डर में मालूम पड़ती है। डबल मर्डर है, एक लोग का गला कसने से हत्या हुई है, दूसरे लोग की धारदार हथियार से गले में हत्या वार किया गया जिससे उनकी मृत्यु हुई। गांव के ब्राह्मण समाज के लोग गोपी शंकर तिवारी, उनकी वाइफ उम्र लगभग 65 साल, उनकी वाइफ निर्मला देवी उम्र लगभग 62 साल के दो लड़के हैं। मनीष तिवारी बड़ा लड़का है जो एसपी ऑफिस में कार्यरत है, होमगार्ड में। प्रेजेंट टाइम में उसकी ड्यूटी चंदौली चुनाव में चंदौली में लगी हुई है।